और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पूरे प्रदेश भर में यात्रा पर निकले मानस खंड झांकी रथ को स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने हरी झंडी दिखाकर पौड़ी से श्रीनगर के लिए रवाना किया। जहां गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों में भारत सरकार के मंत्रालयों की 27 झांकियों में से पहले स्थान पर रहा मानस खंड झांकी रथ पौड़ी पहुंचा था। बता दें कि 18 मई तक प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों और मुख्य शहरों में घूमकर प्रदर्शन करने को निकले इस रथ में जागेश्वर मंदिर, कार्बेट नेशनल पार्क, एपड़ आर्ट तथा वनों का समावेश दर्शाया गया। विधायक राजकुमार पौरी ने झांकी के गणतंत्र दिवस परेड में पहले स्थान पर रहने की खुशी जताई। उन्होंने इस दौरान पूरे प्रदेश में यात्रा पर निकले मानस खंड झांकी रथ की सुखद यात्रा की कामना की है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास था कि हम अपनी यात्रा को जो है जो आसपास के क्षेत्र हैं, यात्रा रूट के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे पौड़ी हो गया, उधर टीरी झील हो गया, तो इन क्षेत्रों में भी पर्यटक जाए, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो उसमें जो है जो मेन रूट है, जैसे देवनाग से पौड़ी की तरफ कुछ यात्रियों को डाइवर्ट किया जाएगा, कुछ टीरी की तरफ से जाएंगे, इस तरफ सभी तरफ जो है यात्रियों को जाने का मौका मिलेगा।